पीबी शैली के एक प्रसिद्ध पोएम अलाइमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अलाइमेंट जिसका मतलब विलाप करना होता है। ये पोएम पीबी शैली की लिखी हुई अंतिम पोएम है, क्योंकि इसके बाद पोएम के बाद कवि की आकस्मिक डेथ पानी में डूबकर हो गई थी। तो इस पोएम में कवि ने अपने दो स्टेंजा के माध्यम से अपने जीवन के प्रति निराशा को प्रकट किया है। कवि कहता है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हूज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर और नेवर मोर। कवि कहता है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हूज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, मैं आपके अंतिम कदमों पर खड़ा हूँ। यानी कवि ये महसूस कर रहा है कि उसके संसार, उसके जीवन, उसके समय का अंतिम समय आ गया है और वो जीवन के अंतिम कदम पर खड़ा है। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, ट्रेम्बलिंग मैंने कांप रहा हूँ, आई मैंने हैड स्टूड मैंने खड़ा था, बिफोर मैंने पहले, जिस स्थान पे मैं पहले खड़ा था मैं वहाँ पे कांप रहा हूँ। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, प्राइम मैंने युवावस्था। कभी कह रहा है कि मेरी युवावस्था का यस, ग्लोरी मैंने यस या वैभव कब लौट के आएगा, नो मोर और नेवर मोर, ये कभी लौट के नहीं आएगा, कभी लौट के नहीं आएगा। यानी कभी अपने जीवन की युवावस्था में अभी है, जस्ट उसकी 29 साल उम्र है, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है उसकी युवावस्था ख़त्म हो चुकी है और उसकी युवावस्था का यस कब लौट के आएगा, और कभी ये सोच रहा है कभी लौट के नहीं आएगा, कभी लौट के नहीं आएगा। सेकेंड स्टेंजा में कवि कहता है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अजॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होवर, मूव माई फैंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, नो मोर ओ नेवर मोर। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात के बीच में अजॉय हैज टेकन फ्लाइट, जो एक आनंद था उसने वह उड़ गया, वो ख़त्म हो गया, फ्लाइट हो गया है। फ्रेश स्प्रिंग, अब चाहे तरोताज़ा कर देने वाला कितना भी बढ़िया बसंत का मौसम आ जाए, समर गर्मी का मौसम आ जाए, एंड विंटर होर और चाहे जाड़ा क्यों ना आ जाए, मूव माई फैंट हार्ट वो विथ वि ग्रीफ, वो मेरे कमज़ोर हृदय के दुख को कभी कम नहीं कर पाएगा, हटा नहीं पाएगा, बट विथ डिलाइट, लेकिन एक जो आनंद था, नो मोर ओ नेवर मोर, वो कभी लौट के नहीं आएगा, वो कभी लौट के नहीं आएगा। यानी इस कविता में कभी पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से निराश है, वो सोचता है उसके जीवन का आनंद अब कोई भी मौसम किसी भी तरह का समय आ जाए वो आनंद अब लौट के नहीं आएगा। इसका हम लोग सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द पोएम अलाइमेंट इज़ कम्पोज बाई पी वी शैली, कविता अलाइमेंट पी वी शैली के द्वारा संकलित की गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इज़ फुली डिजेक्टेड, कभी पूर्ण तरीके से निराश है। ही लेमेंट्स दैट, वह विलाप करता है कि हिज लाइफ इज़ विथाउट जॉय, उसका जीवन बगैर आनंद के है। ही इज़ कम ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, वह अपने जीवन की अंतिम स्टेज में आ गया, अवस्था में आ गया है। ऑल्दो ही हैड बीन फर्म, यद्यपि वह दृढ़ है एंड स्ट्रॉन्ग मजबूत है, येट ही इज ट्रेम्बलिंग विथ वीकनेस, फिर भी वह कमजोरी से कांप रहा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द फ्रेश सीजन ऑफ स्प्रिंग समर एंड विंटर कम एंड गो, सो बसंत का, गर्मी का और जाड़े का फ्रेश सीजन वो आता और चला जाता है, बट ही विल नेवर अगेन गेट बैक द लॉस्ट जॉय ऑफ हिज लाइफ, लेकिन उससे अपने जीवन का खोया हुआ आनंद अब कभी वापस नहीं मिलेगा। तो छोटी सी कविता है, कवि के जीवन में निराशा है। जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें एपोस्ट्रोफी अलंकार का यूज़ हुआ है, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम में। तो ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।